क्या है? एक साथ खाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। जानोगे? अरे यार क्या याद दिला दिए, मेरे को सीधा वही आ गया। अरे यार क्यों क्या याद दिला दिए, जानोगे। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। एक नए दिन के साथ एक नई समस्या आ चुकी है मेरे नहीं मोहित के लाइफ में। और ये देखिए वो क्या समस्या है, मोहित बताओ यार। हंसते हो यार, ठुक गई गाड़ी। तो गाड़ी ठुकी नहीं है एक्चुअली, रेडिएटर लटक गया। हाँ रेडिएटर लटक गया है, तो आज बस यही काम करना है। लग गया तो आज तो यही है कि मैकेनिक को बुलाना है और इसको दिखवाना है कि इसमें क्या जुगाड़ किया जा सकता है। हालांकि मोटा खर्चा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे वो मोटे खर्चे के? ये बहुत खर्चे हैं यार, गाड़ी चलाना, सब पैसा गाड़ी में ही चले जा रहा है ना। गाड़ी बनवाते अभी तो और लंबा जाएगा, नहीं होना चाहिए था ये, बुरा हुआ। ठीक है पर एक्सीडेंट होते रहते हैं ज़िंदगी में, उनसे ऊपर आना सीखो, लड़ना सीखो। हटो यार, कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग गैरेज आ चुके हैं, कासाबेल में हैं, और मोहित की गाड़ी वहाँ पूरी खुल चुकी है। और भैया बताएंगे कि कितना खर्चा जाएगा भैया गाड़ी में। तो गाड़ी कब तक बन जाएगा वो बता दो। गाड़ी 4 बजे तक, तो इनकी गाड़ी 4 बजे तक रेडी हो जाएगी। लेकिन मेरी गाड़ी में भी एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम आ गया? गियर बॉक्स के नीचे से ऑयल सील कट गया है, तो ऑयल रिस रहा है, तो दिक्कत हो गया ज़िंदगी में, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो जाएगा। कितना खर्चा आएगा उसमें? उसमें 6 से 7 हज़ार आएगा, क्योंकि पूरा ऑयल बोल रहा हूँ। गियर बॉक्स उतरेगा, फिर वो ऑयल सील चेंज होगा, ऑयल सील चेंज होगा, और फिर वापस से उसको असेंबल किया जाएगा। तो लाइफ में खर्चे ही खर्चे हैं, बहुत खर्चे हैं, तो वाट लग जा रही है। भैया वी कैन कोलैब। तो ठीक है, अभी तो आज मोहित की गाड़ियाँ छोड़ के जा रहे हैं और मेरी गाड़ी कल छोड़ेंगे। और ठीक है तो चलते हैं अभी घर। तो हेलो गाइस, मेरे को ज़्यादा खाना मिल गया, तो भैया ले रहा है मेरा खाना। और इधर छोटी बेटी से हाय, और मोहित की थाली में एक चीज़ कमी है। क्या हम थोड़ा जोर से बोलो तो। एक साथ खाते हैं, ये प्रेम का प्रतीक है। मोहित आपकी थाली में कुछ कमी है। मिर्ची काय मिर्ची लाओ, ऐसे करके जाओ। अच्छा ऑटो में कर लो। नहीं नहीं हम लोग हंसेंगे फिर ऐसा करके। ठीक है तो मिर्ची का रिव्यू दे दो, मिर्ची का फीडबैक। ये बहुत खतरनाक दिख रहा था, गोल वाला मिर्ची, पर नहीं था दूसरा वाला अच्छा था। मिर्ची के शौकीन। यस क्या है। और आज हमारे साथ छोटी भी है, और छोटी पहले खाना खत्म कर चुकी है। नहीं वो देखो आ रही हाथ धो के। नहीं मैं तो खाई नहीं हूँ। सफेद झूठ। मैं तो शायद इसके पहले वाली प्लेट में थे आप। नहीं थी। हाँ मिर्ची वाले में। तो छोटी हमारे लिए केक बना के लाई है, और वो केक मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो ये जो केक है एकदम छोटी से मिलता जुलता है, पोको पोको कुछ भी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ। कुछ भी। और इतन हमारा अभी अभी सो के उठा है। इतन बाय कर दो बेटा। उधर। तो इतना अभी सो के उठा है। एक्चुअली आज एहान का 6th मंथ कंप्लीट हो गया है, तो एहान आके केक काटेगा। एहान एहान मेरा बुआ और मेरा बुआ। ओ देखा है। आओ केक काटो, केक काटो बेटा। हां ये केक बेटा, चलो केक काटेंगे। इधर सुना हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हां हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। 6 मंथ्स 6 महीने हो गए उसको। बिटू एहान केक काटना है। तो वो रहा केक देखो,
आप तो मुझे खाने में बिजी हैं। चलो काटो काटो केक काटो, बैठ जाओ। शाबाश, एक लात मारो और जोर से। 6 मंथ कंप्लीट इत्तेहान का। हैप्पी बर्थडे। एक दो तीन बोल। हाँ बेटा, सिक्स बर्थडे। चलो आधा ही काटना था, इधर तो कटा हुआ दिख जाएगा उधर। ऐसे तो घुमा के रखा था वो। ऐसे इधर कटो, इतना पड़ जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग अभी मेरे बड़े मम्मी पापा के आए हैं और यहाँ एक पेड़ में आम बचा हुआ है, तो हम लोग आम खाने आए हैं और हम सब भूखे हैं, भूखे प्यासे, आम के भूखे प्यासे। और इस पेड़ में वो आम है, तो इसमें अभी पता नहीं कौन चढ़ेगा, देखते हैं। जानोगे जानोगे, बहुत दर्द है इस सब इस वर्ड से यार, इसको भी आ गया। हम लोग का दो दिन से ये हो रहा है, दो दिन से हो रहा है। बहुत एक वीडियो है दिखाएंगे, बहुत पहले से दिखा दिखा के परेशान करूंगा। एक बार देखी थी उसको, फिर बहुत दिन से नहीं देखी थी, फिर कल अचानक ऐसे देखते देखते वो दिख गया, सुनाई भी दे दिया। आप तो नहीं होगा हो भी सकता है, मत डराओ यार, कूद जाना होगा तो। अच्छा सीधे जंप, वैन हुसैन। क्या हुसैन? वैन हुसैन क्या होता है? ये क्या हुसैन है? कौन है ये? पूछा है तो दिखाओ यार ठीक से। वही तो है वैन हुसैन। क्या है वैन हुसैन? अच्छा। मैं बोला कोई डिस्कवरी एक्टर का नाम ले रहे हो। मैं भी वही सोची। यहां पे एक अच्छा जैसे कि मेरा पसीना देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, बहुत मेहनत किया है मैंने और आम वगैरह टूटा है। मैं आप लोगों को आम दिखाता हूँ अभी कितना आम मिला है। और यहाँ का आम बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। अब टेस्ट आप लोगों को नहीं बता सकता, बस तारीफ़ कर सकता हूँ। तो मोहित कैसा रहा एक्सपीरियंस आम तोड़ने का, कैसा लग रहा है? अच्छा था। ऐसे करके स्मेल करे थंबनेल रहेगा ये, और जल्दी करो ग्रुप में थंबनेल। तो मोहित कैसा रहा आम तोड़ने का एक्सपीरियंस? हो गया था क्या? क्या बोले थे आप? बढ़िया। अच्छा ज़बरदस्त, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। एक नंबर, एक नंबर। जानोगे? अरे यार क्या याद दिला दिए, वही आ गया। अरे यार क्यों, क्या याद दिला दिए? जानोगे बहुत दर्द है इस सब इस वर्ड से यार। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ए बजाओ रे अपना।